हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेम फाइव स्टेट में, वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला चल रहा है। क्लियर? तो अब तक मैंने टोटल 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ ये हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए, जहाँ पे आप ये सारे वीडियोस जो है 3 लेक्चर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो। उसमें मैंने सम नंबर 5 कराया है और सब नंबर 7 कराया है, और सम नंबर 7 जो कराया उसके पूरा कॉपी पेस्ट सम नंबर 10 मैंने आपको करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वहां पे स्पेड था तो यहाँ पे डायमंड है, वहां पे एसेस था तो यहाँ पे किंग है। ठीक है, बाकी दोनों के आंसर भी देखोगे तो सेम है, और मैंने 11 सम करवाया हुआ है। तो टोटल मैंने 3 लेक्चर कराए और तीनों लेक्चर में ये सारे सम कवर किए हैं। तो अभी हमारा लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको सम नंबर 6 कराऊंगा, और उसके बाद टोटल 2 सम बचेंगे, सम नंबर 8 और सम नंबर 9, और ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। हालांकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं सम नंबर 5th करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सम नंबर 6th करवा रहा हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 को। तो सम नंबर 6 क्या कहता है? सम नंबर 6 कहता है, देयर आर 50 बल्ब्स इन अ लोड एंड 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव बल्ब। बराबर, 5 bulbs are taken in one after the other from it. Find the probability that none of the bulb is defective. पहली probability हमें निकालनी है, none of the bulb is defective, मतलब एक भी bulb defective नहीं हो। अब इस सम में क्या क्या ध्यान में रखने की चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना है, सबसे पहले ग्रामर आप कुछ भी लिख सकते हो, इलेस्ट्रेशन को रेफर कर लेना, इसी तरह का एक इलेस्ट्रेशन है वहां पर जो भी ग्रामर है वो आप लिख लेना। क्लियर? तो ग्रामर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि यही ग्रामर लिखनी है, आप अपने हिसाब से सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो होनी चाहिए ग्रामर। ऐसा नहीं कि लिख कुछ और रहे हो कुछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बल्ब है 50, जिसको मैं डिनोट करूंगा एन से। क्लियर? उसके बाद नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जो है आपके वो टोटल है 10% 50 के, तो 10% 50 के कितने हुए, मतलब ठीक है 10% कितने हुए, 5, टोटल नंबर 5 डिफेक्टिव हुए। क्लियर? अब नंबर ऑफ सैंपल कितने उठा रहे हो रैंडमली, ये तीनों चीजें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5। ठीक है, मतलब 50 बल्ब है, 5 डिफेक्टिव है और 5 मैं उठाऊंगा, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के भरोसे हमको सम करना है। क्लियर ना? अब सबसे पहले क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक भी बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, अगर एक भी बल्ब रिफ्लेक्टिव नहीं निकलेगा मतलब P0 बराबर, मैं 5 के 5 बल्ब उठा रहा हूं और 5 के 5 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहे मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ चांसेस 0 हो जाते। तो यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 5, तो उसके 0 चांसेस मुझे चाहिए, इनटू टोटल 5 डिफेक्टिव है तो 45 क्या हुआ, 45 नॉन डिफेक्टिव हुए और मुझे 5 के 5 वो चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनती है, और टोटल कितने बल्ब है 50, और निकालूंगा कितने में सैंपल 5। अब 5C0 जो आपका रहता है वो रहता है 1, इनटू 45 को कैसे करना है, 45 को मैं 5 बार नीचे लेके जाऊंगा, 45 इंटू 44 इंटू 43 इंटू 42 इंटू 41, और ये 5 को मैं लेके जाऊंगा 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये मेरा कितना हुआ, 45 इंटू 44 इंटू 43 इंटू 42 इंटू 41, तो ये मेरा कुछ ऐसा होता है 1466 11080, और ये होगा 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अभी 1466 11080 डिवाइडेड बाय 120 कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरा आंसर आता है 45C5 का 1221759। क्लियर?
और 50C5 का भी मुझे इसी तरह से निकालना है, 50 × 49 × 48 × 47 × 46। यहाँ पे 5 है तो मुझे 5 बार नीचे लेके जाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। और डिवाइड में कर दूंगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे देखते 46 × 47 × 48 × 49 × 50, और डिवाइड में मैं कर दूंगा डायरेक्ट 120। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिखा नहीं, इसको डिवाइड बाय 120 कर दिया, ठीक है। 2118760, 1221759 × 1 कितना होगा, वही होगा 1221759, और डिवाइड में मैं कर दूंगा 2118760। तो मेरा आंसर जो फर्स्ट आया वो आया 0.5766। तो देख लेते हैं, हाँ, तो जीरो बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 0.5766, क्लियर। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद ये सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, एट द मोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन देम। अब एट द मोस्ट 2 बल्ब क्या बोल रहा है, एट द मोस्ट 2 बल्ब, एट द मोस्ट 2 बल्ब, लेकिन 2 बल्ब कौन से, 2 बल्ब डिफेक्टिव। बोलता है मिनिमम 2 बल्ब डिफेक्टिव हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो एक तो निकलेगी या तो 0, एक भी नहीं निकलेगा, या तो P1 निकलेगा, एक निकलेगा, या तो 2 निकलेगा। एट द मोस्ट 2 में मतलब क्या आएगा, 0 से लेके 2 तक, या 0 निकलेगी या एक, ज्यादा से ज्यादा 2 बल्ब डिफेक्टिव निकलेगा, इन शॉर्ट, बराबर। तो सबसे पहले P0 निकालते हैं। तो P0 तो आपने ऊपर निकाल ही लिया है ना, P0 हमने देख ही लिया था ऊपर, तो वो तो डायरेक्ट लिख दो 0.5766, क्लियर। उसके बाद आप क्या निकालोगे, P1। अब एक और तरीका है, इसको कैसे भी निकाल सकते हो, इस तरह से भी, P0 + P1 + P2। तो यहां पे आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो, जैसे 5 डिफेक्टिव बल्ब में से एक भी नहीं निकले, और 45 के 5 के 5 अच्छे निकले, तो ये हो गया 50C5। फिर इसको प्लस करेंगे, अब एक संभावना तो डिफेक्टिव बल्ब की होगी, तो 5 जो निकाल रहा हूं डिफेक्टिव बल्ब में से, एक सपोज डिफेक्टिव आ गया, तो बाकी कितने बचे, बाकी नॉन डिफेक्टिव बचे, तो ये तो 50C5 होगा, प्लस ये यहां पे हो जाएगा। अब क्या होगा, डिफेक्टिव में से 2 बल्ब डिफेक्टिव में चूज करूंगा, तो बाकी के 3 जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, क्योंकि निकाल कितने रहा हूं, 5, तो ये हो गया 50C5। तो फर्स्ट वाले को तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो हमने निकाला हुआ है, वो कितना है 0.5766 प्लस। अब यहां पे निकाल लेते हैं ये वाले की, 5C1 का हो जाता है 5 × 45C4, तो 45C4 यहां निकालता हूं मैं, 45 × 44 × 43 × 42 डिवाइडेड बाय, यहां पे हो जाएगा 4 × 3 × 2, मतलब ये तो 24 हो गया। अब ऊपर वाले को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 45 × 44 × 43 × 42 डिवाइडेड बाय 24, तो यहां पे हो जाता है 148995, और डिवाइडेड में 50C5 कितना आया था हमारा, वहां पे ये रहा, यहां पे हमने निकाल के रखा था ना, पहले वाले ले लेते 2118760, यही लिख लेते 2118760 प्लस 5C2 कितना आएगा आपका, 5 × 4, यहाँ पे 2 × 1, तो 5 × 4 = 20, 2 × 1 = 2, तो ये हो गया 10 × अब यहाँ पे 45C3 लेते हैं, तो 45 × 44 × 43, और ये हो जाता है 3 × 2 × 1, तो 45 × 44 × 43 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे हो जाता है 14190 डिवाइडेड में 50C5, तो आपका 2118760 आएगा। अब चलिए नीचे कैलकुलेशन और सॉल्व करते हैं, 0.5766 प्लस 5 × 148995 डिवाइडेड बाय 2118760, तो ये आपका आया 0.3516, और यहाँ पे बाजू में आया 14190 × 10 डिवाइडेड बाय 2118760, तो ये आपका आया 0.0669, तो यहाँ पे टोटल कर लेते 0.5766 प्लस
0.3516, 0.00669, तो ये आपका आ गया 0.9951। एट द मोस्ट 2 का कितना है 0.9951 और यहाँ पे 9952 है। कोई इशू नहीं, मैंने इससे पहले वाला यहाँ पे जो सम था इसको राउंडिंग नहीं किया था, आप राउंडिंग करोगे तो भी आ जाएगा। क्लियर? तो यह आपका सम नंबर जो था सिक्स्थ सम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट सम था, वो हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, जहां पे मैं कराऊंगा आपको सम नंबर 8th। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।